हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स पीपल कॉट चिटिंग ऑन अ कैमरा पार्ट 5। बिहार के चेतन कुमार ने जब मीशो से ड्रोन मंगवाया तो पार्सल आने पर छूते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जिसके बाद जब वीडियो बनाते हुए डिलीवरी बॉय से पार्सल खुलवाया गया तो डिब्बे के अंदर ड्रोन नहीं बल्कि 1 किलो आलू निकल आए। अभी अगर चेतन इस घटना का वीडियो ना बनाते तो ना कंपनी उन पर यकीन करती ना ही आदि जनता। इसलिए दोस्तों, अगर कोई महंगी चीज मंगवाए तो उसको अनबॉक्स करते वक्त उसका वीडियो जरूर बना लें, ताकि आपके पास क्लेम करते वक्त कम से कम कोई सबूत तो हो कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। इस हलवाई के स्ट्रीट फूड का स्पेशल इंग्रेडिएंट आज पता चला, जो पहले छन्नी से अपना बदन खुजलाते हैं और फिर उसी से टेस्टी टेस्टी फूड तलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट किधर है? हाँ तो देख लो, टेस्ट इधर है। जैसे इस शादी में आप गोलगप्पे वाले के पास भीड़ देखकर समझ ही गए होंगे। दोस्तों, जिस वेज बर्गर को आप स्ट्रीट स्टॉल्स पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चटकारे लेकर खाते हैं ना, जरा एक बार उसकी मेकिंग और हाइजीन को भी देख लो, जो मशहूर इंस्टा पेज यमी बाइट्स की करिश्मा त्यागी ने दिखाया। सही मायने में कहना होगा इसे बनाने के लिए पसीने लगाने मेरा मतलब बहाने पड़ते हैं, और वहां पड़े हुए अंडे का लेप लगता देख शाकाहारी खुद जज कीजिए कि आपका वेज बर्गर कितना वेज होता होगा। वैसे डिमांड है तो सप्लाई भी है। इसी प्रकार करिश्मा त्यागी ने दिखाया आपके मनपसंद नूडल्स भी कितनी साफ सुथरी जगहों पर लकड़ी से मशीन के अंदर ठोक ठोक कर बनते हैं, फिर उन्हें धूल की परतों से ढकी बांस के ऊपर कैसे कपड़ों की तरह सूखने के लिए लटका दिया जाता है, वो भी रोड साइड जहां से धूल मिट्टी उड़कर इन पर चिपक जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुंबई का ये मिलावट खोर तो अमूल दूध के पैकेट फाड़ कर पैकेट के अंदर से पहले दूध निकालता है, उसमें गंदा पानी भरता है और फिर मोमबत्ती की मदद से वापस पैकेट कुछ इस कदर मिलावट करके सील कर देता है कि असली और नकली में कोई फर्क ही नहीं बता सकता। वो गाना तो आपने सुना होगा, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। लेकिन लगता है दानापुर से सिकंदराबाद जा रही दाना एक्सप्रेस के पेंट्री कार वाले इस गाने से बड़ा नाखुश थे, इतने ज्यादा कि इन्होंने समोसे के अंदर आलू की जगह बदबूदार बासी चावल ही भर के यात्रियों को सर्व कर दिए। जैसे हमको तो क्या ही पता चलेगा। ठग छोटे हाथी से कुछ गद्दे लेकर जा रहे थे तो पुलिस वालों को उन पर शक हुआ, जिसके बाद जब पुलिस वालों ने एक गद्दा नीचे उतार कर फाड़ा तो अंदर मैट्रेस मटेरियल की बजाय थर्मोकोल की शीट निकल आई। हालांकि यहाँ पर आपको जागरूक करने वाली जानकारी देते हैं, चूंकि जब पुलिस वालों ने गद्दा पलटा तो गद्दे पर नीलकमल लिखा हुआ था, जिसे देखकर पहली नजर में हर कोई यही समझता कि गद्दा ब्रांडेड है। लेकिन अगर आप स्पेलिंग पर गौर करेंगे तो मैट्रेस बनाने वाली ओरिजिनल नीलकमल कंपनी की स्पेलिंग में NIL नील होता है, जबकि इस डुप्लीकेट वाली में NEEL लिखा होता है। इस तरह से पूरे भारत में हमें बेवकूफ बनाया जाता है और सस्ते के चक्कर में हम इनके झांसे में आ जाते हैं। खासकर ये काम गली मोहल्ले में घूम घूम कर बेचने वाले लोग करते हैं, इसलिए शिकायत करने आप कहां जाएंगे। इसीलिए फिर से हिंदी काउंटडाउन कहता है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वरना क्रिकेट खेलने के लिए एडिडास की कीमत देकर कहीं आप भी अजित डास न उठा लाएं। खैर, क्रिकेट से याद आया कि अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट टेस्ट मैच है। अगर आप इस पर अपना ओपिनियन सिर्फ हाँ और ना में प्रोबो ऐप पर देकर रियल कैश कमा सकते हो। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोबो क्या है, तो बता दूं ये इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप ओपिनियन हाँ और ना में देकर बड़े प्रॉफिट्स कमा सकते हो। जैसे एक ये सवाल है, क्या भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीतेगा, और मैंने इसमें हाँ का ओपिनियन दिया है, और जितनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे जीतने पर प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। यहाँ कई तरह की कैटेगरी है, जैसे क्रिकेट, यूट्यूब, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स और भी कई सारी। इसके अलावा 1 करोड़ यूजर इस ऐप की मदद से रोज प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो आप बड़ी आसानी से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कार्ड की मदद से विड्रॉ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड करो और अप टू 25 रुपीज तक का वेलकम बोनस पाओ।
तो देर किस बात की है, जाइए और प्रोमो डाउनलोड कर प्रॉफिट कमाइए। 22 नवंबर 2022 के दिन दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जिस तरह टिकट काउंटर पर बैठे इस बाबू ने शख्स को बातों में उलझाकर 500 के नोट को 20 रुपए के नोट से बदला, उस तरह से तो अच्छे खासे जादूगर भी हाथ की सफाई नहीं कर पाते होंगे। वो तो अच्छा हुआ ये शख्स बाबूजी की हरकत से वाकिफ था, क्योंकि वो पहले ही कईयों को चूना लगा चुका था, इसलिए पहले से वीडियो बना रहा था, जिसके चलते बाबू पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई। आप भी देखें। सुपरफास्ट ग्वालियर। सुपरफास्ट ग्वालियर कौन सा? सुपरफास्ट ग्वालियर। सुपरफास्ट ग्वालियर हाँ। एक एक 125। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। लेकिन लगता है टैलेंट सिर्फ इन्हीं बाबू के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इन जनाब को इन्होंने चपत लगा दी, जिसके बाद वीडियो बनाना शुरू किया और बताया कि इनके 500 को 20 रुपए बना दिए। अब आगे बवाल हुआ तो अधिकारी बात दबाने के लिए फोन छीनने की कोशिश करने लगे। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदी काउंटडाउन के सब्सक्राइबर्स हमेशा सचेत रहें, सजग रहें। वैसे कि आपके साथ ये हाथ की सफाई कभी हुई है तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट पर शेयर कीजिए। इधर देखिएगा सर, इधर दिखाओ कैमरे में। सर इधर देखिए, नोट ये 500 की दे रहा हूँ, ठीक है? इधर कैमरे में दिखाना। अब आप काटिए टिकट, मैं दे रहा हूँ पेमेंट। यार मैंने उसमें देखा भी नहीं। भाई साहब इतना फ्रॉड मत कीजिए, इतना पैसा सैलरी आपको मिल रही है, कम है क्या? कितना चाहिए भाई? 400-500 रुपए जो डाले हो, 20 की नोट पकड़ा है, उसका क्या करूँ मैं? हाँ जी फर्जी पुलिस वाले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन बिहार में तो पूरे 8 महीने से पूरा फर्जी पुलिस स्टेशन ही चल रहा था। बिहार के बांका में अगस्त 2022 में अनुराग गेस्ट हाउस के अंदर ये फर्जी पुलिस वाले, जिसमें डीएसपी से लेकर कांस्टेबल तक तैनात थे और महिला दारोगा को पिस्टल की जगह कट्टा देकर ऐसे पेश आते थे जैसे सच में उस एरिया के प्रबंधक हों, सारे लोग 500 रुपए दिहाड़ी पर काम कर रहे थे। और इसी फर्जी वाड़े में उन पुलिस वालों ने सैकड़ों लोगों का पैसा उनका काम करवाने के चक्कर में ले तो लिया, लेकिन भैया जो पुलिस वाले है ही नहीं, वो काम क्या खाक करवाएंगे। और बस करीब 8 महीनों तक लोगों का काटने के बाद ये नकली पुलिस वाले असली पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गए और भेज दिए गए सलाखों के पीछे। यूपी के देवरिया में तो हद ही हो गई, जहाँ जब ये जनाब 4 दिन पहले बनी रोड को देखने गए तो रोड की क्वालिटी इतनी खराब निकली कि सड़क हाथ से ही किसी चटाई की तरह बाहर निकल आ रही थी। सोचिए अगर इस स्तर की रोड्स बनेंगी तो गड्ढे क्यों नहीं होंगे। दूर से देखा तो लोडर में मंदी चल रही थी, लेकिन जब इसी लोडर का खुफिया तहखाना खोला गया तब पता चला यहाँ तो अवैध कामों के साथ जुगलबंदी चल रही थी। गोल्ड तस्करी का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दिसंबर 2021 को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब शारजा से आ रहे एक यात्री के बैग में एक्सरे मशीन ने कुछ डार्क इमेज दिखाई तो कस्टम वालों ने उसका बैग चेक किया, लेकिन कुछ नहीं निकला। लेकिन बाद में जब बैग में मौजूद ट्रिमर की तसल्ली से सर्जरी की गई तो कस्टम वाले भी हैरान हो गए, क्योंकि ट्रिमर जैसी चीज के कंपोनेंट के अंदर तस्कर ने ब्लैक कार्बन प्लास्टिक शीट के अंदर 99.99% शुद्धता वाले कुल 5 बिस्किट छुपा रखे थे, जो करीब आधा किलो वजन के थे और जिसकी कीमत 25 लाख रुपए के बराबर थी। इससे भी 2 कदम आगे का तस्कर चेन्नई एयरपोर्ट में पकड़ा गया, जिसने सूटकेस की लाइनिंग पर बनी रबड़ की जगह सोना लगा दिया और सिर्फ इतने एरिया में करीब 1 किलो 38 ग्राम यानी करीब 43 लाख रुपए का सोना स्टिच कर दिया गया था। भैया हमें तो समझ नहीं आता इतना दिमाग इन लोगों के अंदर आता कहां से। दिसंबर 2022 में बिहार के इस शराब तस्कर ने कड़ाके की ठंड में दारू का जैकेट ही पहन लिया और रही सही कसर बाइक की डिक्की और सीट कवर के नीचे तहखाना बनाकर शराब की तस्करी का दिमाग लगाया, लेकिन अफसोस इतनी चालाकी के बावजूद गोपालगंज की पुलिस द्वारा धर लिए गए। महाराष्ट्र के वर्धा में एक महिला पर पुलिस को शक था, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता था। जब उन्हें टिप मिली तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि शराब तस्करी के लिए उसने शराब की बोतलें भगवान जी के नीचे ही छुपा डाली थी, जिस पर पुलिस को भी शक नहीं हुआ था। और कलयुग आ गया है भाई।
कुछ ऐसे ही इस बुलेरो में ऊपर की छत खोलते इतनी बोतलें निकली कि पुलिस वाले चाहे तो खुद पूरा का पूरा ठेका ही खोल डाले। बात हो बेईमानी करते हुए पकड़े जाने की और हमारे कोई चचा तोल मोल में गड़बड़ ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे पाकिस्तान की इस वीडियो में चचा ने तोले तो आंटी के छांट छांट दिए गए फल थे, लेकिन जब बात देने की आई तो अपने शातर दिमाग का इस्तेमाल करके इन्होंने पन्ने ही बदल दी, जिससे एक तो वजन कम और दूसरे खराब फल भी थे। महाराष्ट्र में ऐसा ही मामला देखा गया जहां फल वाले ने बंदे को ठगने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जागरूक नागरिक ने फोन निकाला और चौकी चलने को कहा तो उसकी सिट्टी बिट्टी ऐसे गुम हुई कि बंदा सीधा ठेला लेकर ही भागने लगा। दिखने में कोका कोला से भरी ये बोतल असल में कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए नहीं, बल्कि गार्ड द्वारा ही जेलों के अंदर मोबाइल फोन स्मगल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसा ब्राजील के एक जेल में स्पेशल टीम द्वारा पकड़ी गई है। स्पेन में जब पत्थरों से भरे एक शिपमेंट को देखकर पुलिस वालों को ये शक हुआ तो इन्होंने हथौड़े से पत्थर तोड़ने शुरू कर दिए, और बाद में उनका शक सही निकला क्योंकि 785 नकली पत्थरों को तोड़ने पर करीब 785 किलो नशे का सामान उस शिपमेंट से बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 322 करोड़ रुपए के बराबर एस्टिमेट की गई। जाते जाते मोहम्मद अर्शी नाम के इन महाशय पर भी नजर डाल लीजिए, जो सीधे विदेशी मुद्राओं को स्मगल करने की नाकाम कोशिश करने लगे, लेकिन जब जांच में परफ्यूम की बोतल और फैंसी पर्स के अंदर से कुल मिलाकर 43 लाख रुपए की राशि बरामद की गई। लेकिन तस्करों में तस्कर सबसे बड़े तस्कर होंगे ये भ्राताश्री, जिन्होंने मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे नाना नहीं को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और मूंगफली के अंदर विदेशी मुद्रा छुपा कर ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। कस्टम वालों ने सोचा कि धरपकड़ का जश्न बिस्कुट खाकर मनाया जाए, तो बिस्कुट के अंदर भी नोटों की गड्डी निकल आई। मतलब हद है भाई, ये सब तो छोड़ो, इन्होंने बने हुए मीट तक को नहीं छोड़ा। कहां से आते हैं ये लोग, कहां से लाते हैं दिमाग। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर आते हैं इनके जैसे ठग जो सिर्फ उस पर स्प्रे पेंट अप्लाई करके मार्केट में उतार देते हैं। लाहौर पुलिस शायद पार्ट टाइम जादू भी कर लेती है, तभी तो देखिए कैसे इस अपंग भिखारी को मात्र छूने भर से दोनों पैरों पर खड़ा कर डाला। जी मीडिया ने जब इस वीडियो को ये कहते हुए पोस्ट किया कि इसमें एक शख्स गुलाब जामुन में पेशाब करते हुए देखा जा रहा है, तो लोगों में मजहबी विद्रोह छिड़ गया, जबकि हकीकत ये है कि ये बंदा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बोतल से गुलाब जामुन के अंदर डाल रहा है, जो इसके ओरिजिनल वीडियो में नोटिस किया जा सकता है। मगर जब जी मीडिया जैसे बड़े मीडिया हाउसेस ही ऐसी गलती करेंगे तो लोग आखिर विश्वास भी करें तो किस पर करें। 2018 में मुंबई के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी गई जहां एग्जैक्ट सेम ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए अमूल का नकली बटर सप्लाई करके मार्केट में आधे दामों में रेस्टोरेंट्स वालों को बेचा जा रहा था, जिसका सीधा मतलब यह है कि फूड ब्लॉगर दुकान वाले द्वारा भर भर के बटर डालने पर इतना बटर बटर करते हैं वो हो सकता है गटर सामान हो। इसलिए हो सकता है शुद्धता पर भरोसा करके आप इस वक्त जो अमूल बटर को अपने घर लाए होंगे, इस बात की भी पूरी गारंटी नहीं है कि वो बटर अमूल की फैक्ट्री में बना हो। जरा आप भी देखिए, जिस गाजर को हलवे के लिए आप इतना पसंद करते हैं उसे कैसे गंदे पानी के अंदर गंदे पैरों के नीचे धोया जाता है। कुछ इसी तरह पंजाब में यही गंदगी एक अलग लेवल पर देखी गई, जहां न जाने कितने किलो सब्जियां गटर के पानी में ये जानते हुए धोई जा रही हैं कि उस पानी में लाखों बैक्टीरियाज होंगे, और फिर इसी सब्जी को मंडियों में बेचा जाता है जहां ऊंचे दामों पर खरीद कर ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ किस कदर खिलवाड़ होता है आप खुद समझ सकते हैं। मुंबई की बारिश में जब नाले ओवरफ्लो करने लगते हैं तो उसके पानी से इतनी बदबू आती है कि दूर से भी आदमी नाक बंद कर ले। लेकिन उसी पानी में ये सब्जी वाले अपनी सब्जियां धोते हुए देखे गए, जिसके बाद अब हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं बचा भाई। हालांकि सबसे मस्त निकले ये महाशय, जिनसे जब कहा गया कि नाली के पानी से सब्जी क्यों धो रहे हो तो भाई साहब गंदे पानी को बिस्लेरी का पानी बोलने लगे। हाँ भाई, नाले में क्यों धो रहे हो, ये नाला ना और क्या है, ये पब्लिक खागी ना बीमारी ना फैलेगी इससे तुम, और क्या है, कौन सा बिस्लरी पानी आ रहा है यहाँ से। अच्छा लगा दी एलईडी, ये बिस्लरी का है,
अच्छा ये सनीचर खाना, ये गंदे साहब लैट्रिन बाथरूम का यहाँ को पानी आ रहा है, इसमें धोखा तुम बेचोगे ना, ये गंदा पानी ना आए इसमें। इस अपराधी ने जितनी चालाकी से तलवे के नीचे ब्लेड को छुपाया उसे देखकर तो भैया प्रणाम है आपको। हैदराबाद से मुंबई जाने वाली दक्षिण एक्सप्रेस में जब अनुराग सेन ने चिप्स का पैकेट लिया तो पता चला IRCTC के ऑफिशियल सेलर होने के बावजूद ट्रेन में कर्मचारी नवंबर में एक्सपायर हो चुका पैकेट बेच रहे थे, जबकि महीना मार्च का चल रहा था, यानी करीब 4 महीने का अंतर। इसलिए कहा जाता आइटम खरीदते वक्त तो उसके एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर ले, वरना आपको जानलेवा बीमारियां भी तो हो सकती है। ठीक इसी तरह से ठेले से अमूल के आइसक्रीम बेचने वाले ये लोग तो और भी परम निकले, जो अपनी चोरी छुपाने के लिए सीधा एक्सपायरी डेट मिटाकर ही माल बेचने लगे। ये थिनर है, ये माल हमारा एक्सपायरी डेट का बेच रहे हैं ये गाड़ी वाले, अमूल कंपनी है, ये डेट मिटाते हैं ये लोग। जो लोग शॉपिंग मॉल्स में हजारों का खाना खाकर अपने आप को हाइजीनिक समझते हैं, वो लोग जरा इन तस्वीरों को देखकर खुद हाइजीन का अंदाजा लगा लीजिए। अमेठी की ये वारदात आपको सिर खुजाने पर मजबूर कर देगी, जहां ATM से पैसे निकालने पर ग्राहकों को चिल्ड्रंस बैंक वाले 200 के नोट मिल रहे थे। स्वाभाविक तौर पर लोगों के बैंक से पैसे भी कटे और उन्हें पैसे भी नहीं मिले, जिस कारण बात इतनी फैल गई कि न्यूज एजेंसीज भी मामला कवर करने लगी, और देश में जहां कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो वहीं कुछ ने खुलकर मजे भी लिए। लेकिन ये इकलौता ऐसा मामला नहीं था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही नोएडा में भी 2017 में यही चीज देखी गई थी, जब HDFC बैंक के एक ATM से लोगों को फटे पुराने नोट तो मिले ही मिले, पर साथ में कुछ नोट ऐसे में मिले जिस पर गांधी जी की फोटो भी नहीं थी। अगर आपके पास ओपिनियन है तो सोशल मीडिया गली मोहल्ले नुक्कड़ पर जाकर अपना ओपिनियन मत खराब कीजिए, प्रोबो है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो और अप टू 25 रुपीज तक का वेलकम बोनस पाओ। तो दोस्तों, दुनिया भर के ठगों से रूबरू करवाते हुए हमारी ट्रेन आज यहीं पर रुकती है। अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।